हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th पास लेवल की तीन ऐसी जबरदस्त वैकेंसी, अच्छी खासी इसमें पोस्ट भी है और दोस्तों फार्म भी स्टार्ट हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कौन कौन लोग इसमें फार्म भर सकते हैं, क्या इनका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, कब से कब तक फार्म भरे जाएंगे। इन वैकेंसी से रिलेटेड हम आपको A to Z जानकारी देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने टाइम टू टाइम पहुँचता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एक नंबर पर वैकेंसी लिख रखी है। ये वैकेंसी दोस्तों है रेलवे ग्रुप डी की ये वैकेंसी है दोस्तों। इसके टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा इसकी टोटल पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी। योग्यता आपने सिंपल 10वीं पास कर रखा है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। 18 से 33 साल के सभी कैंडिडेट भर सकते हैं। हर भर्ती में इसमें भी दोस्तों आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट, SC ST से हैं तो आपको एज में यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म फीस, अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो आपकी 500 रुपये फीस लगेगी। अगर दोस्तों आप SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पर 250 रुपये फीस लगने वाली है। सिलेक्शन का प्रोसेस दोस्तों ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, ये दोस्तों आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है ना कि इसमें दो क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, तो वो भी हमने इस वीडियो में यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें लिख रखा है। इसमें ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 90 मिनट का समय, नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी रहेगी। GK से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 90 मिनट का समय और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आप दोस्तों 3 गलती करते हैं तो आपका यहाँ पर 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों फिजिकल में यहाँ पर क्या क्या होता है, अगर दोस्तों आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 4 मिनट 15 सेकंड में, और यहाँ पर दोस्तों फिर दूसरे नंबर पर 35 kg वजन 100 मीटर 2 मिनट में, ये दोस्तों मेल कैंडिडेट का यहाँ पर हो गया। अब फीमेल को 1 किलोमीटर 5 मिनट 46 सेकंड में, और फीमेल को दोस्तों यहाँ पर दौड़ना होगा 20 kg वजन लेकर 100 मीटर 2 मिनट में, ये दोस्तों यहाँ पर फीमेल का हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्म अप्लाई, फॉर्म इसके दोस्तों अप्लाई होंगे सितंबर 2024 में इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। इसकी दोस्तों अप्लाई डेट आ चुकी है, तो दोस्तों आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि दोस्तों ये आप सोचेंगे वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तो दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। जब दोस्तों वैकेंसी तो आएगी, इसकी ऑफिशियल अपडेट भी आ चुकी है और इसके दोस्तों ऑफिशियल नोटिस में बताया गया है कि इसका फॉर्म दोस्तों सितंबर से अप्लाई होगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होती है, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, सितंबर में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों हमने जो वैकेंसी लिख रखी है ये दोस्तों है SSC MTS एंड हवलदार की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 5,000 से 6,000 के बीच में आपकी वैकेंसी रहेगी। योग्यता आपने सिंपल 10वीं पास कर रखा है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ये दोस्तों ऑफिस वाला जॉब है, इसमें दोस्तों ना तो आपकी कोई दौड़ होगी ना कोई फिजिकल हार्ड होने वाला है, बस इसमें दोस्तों आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 साल और दोस्तों हर भर्ती की तरह इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप SC ST से हैं तो आपको एज में यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। और फॉर्म फीस की बात करें, जनरल OBC EWS की यहाँ पर 100 रुपये फीस लगने वाली है। अगर दोस्तों आप SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब दोस्तों रिटन एग्जाम का सिलेबस यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे ये दोस्तों आपको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फालतू की चीज़ें पढ़ते रहेंगे फिर दोस्तों आपका यहाँ पर इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या करना है, स्मार्ट वर्क से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं दोस्तों। इसमें Part 1 और Part 2 में दो तरह से आपका यहाँ पर एग्जाम होता है, पार्ट होता है एक ही नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 में डिवाइड कर दिया गया है, Part 1 और Part 2। Part 1 दोस्तों देखिए आप ध्यान से, Part 1 में दोस्तों आपके मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के,
और 45 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा। इसमें दोस्तों पार्ट वन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, और इससे दोस्तों आपको क्वालिफाई करना होता है। कितने नंबर लाने होते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 30% अगर आप जनरल हैं तो आपको यहाँ पर 30%, ओबीसी हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 25%, और एससी को यहाँ पर दोस्तों एससी एसटी को यहाँ पर 20% मार्क्स लाने होते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप 10-12 क्वेश्चन तो आराम से सही कर जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपल 30% नंबर लाने होंगे, इसे बस आपको क्वालिफाई करना होता है। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से दो सब्जेक्ट ऐसे कौन से पढ़ने हैं जिन्हीं से आपका चयन होने वाला है। ये देखिए दोस्तों पार्ट टू में दोस्तों 25 जीके एंड जीएस से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 मार्क्स का, 45 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा, और इसमें दोस्तों इसी से आपकी मेरिट बनेगी। इसके जो फार्म स्टार्ट हो रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पर 7 मई से 6 जून तक फॉर्म अप्लाई होंगे। इसकी भी ऑफिशियल डेट आ गई है, ऑफिशियली अपडेट करा दिया गया है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास थोड़ा बहुत समय है, आप इसे दीजिए और इन दो सब्जेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इन्हीं से आपकी मेरिट बनेगी, इन्हीं यही से सब्जेक्ट आपको इसमें ज्वाइन कराएंगे। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर वैकेंसी देखिए दोस्तों, ये दोस्तों है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल की ये वैकेंसी है, और कांस्टेबल और एसआई दोनों की निकली हुई है। आपने सिंपल 10वीं पास किया है तो दोस्तों आप आरपीएफ कांस्टेबल में फार्म भर सकते हैं। टोटल पद की बात करें, टोटल पद यहाँ पर देखिए दोस्तों 4660 पद हैं, जिसमें 400 एसआई के हैं और 4200 पद यहाँ पर कांस्टेबल के हैं। इसके दोस्तों अप्लाई डेट की बात करें तो 14 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं, 14 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरना है, ओनली 10th पास पर वैकेंसी है दोस्तों। योग्यता आपने 10वीं पास कर रखा है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 28 साल, हर भर्ती की तरह इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्म फीस, यहाँ पर देखिए दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 500 रुपये फीस लगेगी, और दोस्तों इसमें 400 रुपये रिफंड भी हो जाएगी। वो किस जब भी दोस्तों आप अपना फॉर्म फिलअप कराते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, तो दोस्तों वहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स डालनी पड़ती है, तो बैंक डिटेल्स दोस्तों आपको अपना ही डालना है। काफ़ी दोस्त जानते ही नहीं हैं तो साइबर कैफे वाले अपना अकाउंट डाल देते हैं, तो बाद में जब वो एग्जाम देने जाते हैं उसके बाद उन्हीं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों आपको रिफंड के लिए अपना ही अकाउंट लगाना है, आपके अकाउंट में 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं, तो केवल आपको 100 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आप एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 250 रुपये फीस लगने वाली है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों आप कौन सी वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।